क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा दिए तैयार किए हुए दो बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा, जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है, नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी। आई एम अंजलि पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वोकैबुलरी की जरूरत क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 10 वोकैबुलरीज के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये 10 वर्ड्स के बारे में हम लोग सिर्फ उसके मीनिंग ही नहीं बल्कि सिनोनिम, एंटोनिम्स और सेंटेंस में उसे कैसे यूज करते हैं सारा सब कुछ जानेंगे, ताकि वो वर्ड्स आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाई डू आई नीड टू इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, हमें अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की जरूरत क्या है। देखते हैं क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। अ बेटर वोकैबुलरी हेल्प्स इन सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स लाइक फाइंड द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फाइंड अ वर्ड्स मीनिंग, आंसर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड द ऑड वर्ड बेस्ड ऑन मीनिंग एटसेट्रा। The English sections of competitive exams ask such questions frequently and a good vocabulary helps immensely. Okay? तो क्लियर हो चुका होगा कि वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ढेर सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वर्ड्स मीनिंग आते हैं, फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, देन ऑड वर्ड फाइंड करने होते हैं। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग रहेगा, और वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको हर दिन कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपको अच्छे से याद करने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 10 वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए, सो हियर इज आवर फर्स्ट वर्ड, अब्स्ट्रूज। तो व्हाट इज अब्स्ट्रूज, देखते हैं। मीनिंग है इसका डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो भी समझने में मुश्किल हो, ठीक है, जटिल, कठिन। ओके, हिंदी वर्ड से भी आपको क्लियर हो रहा होगा क्या मीनिंग है अब्स्ट्रूज का। चलिए फिर सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एक से ज़्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूज़ करूँ, ताकि ऑप्शंस आते हैं ना तो ऑप्शंस आपको दिमाग में रहे, और जितना ज़्यादा आप उसका सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, परप्लेक्सिंग। ओके, एंड एंटोनिम्स क्या है, सिंपल, ईजी, कॉन्क्रीट। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, आई फाइंड मैथ्स टू बी एन अब्स्ट्रूज सब्जेक्ट। तो आप में से बहुत से लोगों को मैथ्स जो है वो अब्स्ट्रूज सब्जेक्ट लगता होगा, ठीक है। अब्स्ट्रूज मीन्स व्हाट, डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से याद रहेगा आपको, अगर ये एग्जांपल आपके माइंड में फिट हो जाए ना तो वर्ड्स की मीनिंग जो है वो हमेशा याद रहेगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड वर्ड है बिल्क। What is well? Let's see. Meaning क्या है इसका? Cheat somebody out of what is due, especially money. ठगना या फिर धोखा देना. Okay? Synonyms और antonyms पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा. Synonyms है इसके defraud, deceive. ये deceive word जो है वो हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके थे. इसका भी मतलब क्या था? धोखा देना, ठीक है. और इसके antonyms हैं be honest, assist. चलिए फिर इसको एग्जांपल में यूज करते हैं। He bilked us of all our money. ओके, क्लियर हो रहा है सेंटेंस से? नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है क्लीव। क्लीव वर्ड जो है वो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका मीनिंग, और अगर नहीं भी पता है तो अभी पता हो जाएगा। तो मीनिंग है इसका सेपरेट और कट विथ अ टूल।
किसी भी टूल से इसको कट करना, सच एज अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कट करना या इसको सेपरेट कर देना, सो दैट्स कॉल्ड क्लीव। और अगर इसके हिंदी मीनिंग को देखें तो इसका क्या मतलब होता है, फोड़ना, काटना या तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कट, सेपरेट, ह्यू। ह्यू मतलब भी होता है क्या, सेपरेट करना, ठीक है, कट करना, ओके। एंटोनिम्स हैं इसके कनेक्ट, कंबाइन, सीव, ओके। ये ह्यू और सीव से भी आपको याद हो जाएगा, ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ओके। ह्यू मीन सेपरेट करना और सीव मतलब तो आपको पता ही होगा, जोड़ना, सिलना कहते हैं जिसे। चलिए फिर सेंटेंस में यूज करते हैं। दे जस्ट क्लीव द स्टोन अलोंग द क्रैक्स, ओके। स्टोन पर जहां पे क्रैक्स थी वहां से क्या किया, स्टोन को क्लीव कर दिए, यानी कि सेपरेट कर दिए, ओके। चलिए फिर हमारा फोर्थ वर्ड है क्यूपिडिटी। व्हाट इज क्यूपिडिटी? एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालच कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, क्यूपिडिटी। हिंदी मीनिंग है इसका लालसा, लोभ, तृष्णा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ईगरनेस और लस्ट, पता ही होगा आपको मतलब इसका, ठीक है। ईगरनेस किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखना, बहुत ज्यादा लालसा रखना कह सकते हैं, ठीक है, वो हो जाता है ईगरनेस, लस्ट हो गया। और अगर एंटोनिम्स पे ध्यान दे तो डिसलाइक, जेनरोसिटी, ओके। चलिए फिर एग्जाम्पल में यूज करते हैं, हर क्यूपिडिटी इज वेल नोन, क्लियर हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिलेटरी। सो व्हाट इज डिलेटरी? मीनिंग वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना। और समय बर्बाद कैसे होगा, कोई भी चीज धीमा होगा, विलंबकारी होगा, लेट से होगा, ठीक है, डिले होगा, तो वो क्या है, डिलेटरी कहलाएगा, ओके। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलेइंग, लेट, लेजी, लैगर्ड। सारे वर्ड्स क्लियर होंगे, राइट, ओके। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रेडी, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ओके। चलिए फिर से एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं और एग्जाम्पल से ये वर्ड जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगा, देखते हैं कैसे। बिकॉज आई वॉज रनिंग लेट टू द मीटिंग, आई आस्क माई असिस्टेंट टू बिहेव इन अ डिलेटरी मैनर सो आई वुड हैव टाइम टू अराइव। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी है यहाँ पे स्पीकर जो है वो क्या कह रहा है कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, वो अपने असिस्टेंट को कॉल किया और क्या बोलता है कि मीटिंग को थोड़ा सा डिलेटरी मैनर में चलाओ, थोड़ा धीमा चलाओ, ठीक है, ताकि वो फिर पहुंच जाए, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? मीनिंग है अ मोर्नफुल पोएम, अ लैमेंट फॉर द डेड, ओके। कोई किसी के डेड में जो भी वो जो एलर्जी प्ले होती है ना, जो सॉन्ग जो बजता है, ठीक है, शोक गीत जिसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शोक गीत, क्लियर हो रहा होगा आपको। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, फ्यूनरल सॉन्ग, डेथ सॉन्ग, लैमेंट। एंटोनिम्स हैं यूलॉजी, ओके। चलिए फिर एग्जांपल देख लेते हैं। द सोनेट इज एन इमोशनल एलर्जी and the tone is mournful, okay? इस example से आपका ये sonnet का भी definition clear हो जाएगा, क्योंकि sonnet क्या होता है, एक emotional elegy है, okay? और इसका tone जो होता है mournful होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर seventh word जो है हमारा feud। What is feud? Meaning है इसका a bitter quarrel between two parties, किसी दो लोग के बीच में जो झगड़ा होता है ना, वही फ्यूड कहलाता है, ठीक है, झगड़ा। चलिए फिर इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है हमारा बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट या फाइट। इतना सारा सिनोनिम्स हो गया आपके पास, ठीक है, इसमें से कोई भी आप दिमाग में रखिए तो आपको फ्यूड जो है वो याद रहेगा, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका काम, अग्रीमेंट और पीस, ओके। पीस यहाँ पे पीस मतलब टुकड़ा नहीं, ये पीस मतलब शांति होता है, ठीक है। चलिए फिर इसको सेंटेंस में यूज करते हैं हम लोग। अ फ्यूड ब्रोक आउट बिटवीन द गाइज ऑन द असेंबली लाइन,
आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, असेंबली में क्या होता है कभी कभी फाइट हो जाता है दो लोगों के बीच, ठीक है, अचानक से। तो वही यहाँ पे भी सेंटेंस में भी वही चीज बताया गया है, ठीक है, फाइट, ओके, फ्यूड हियर मीन्स व्हाट, फाइट, झगड़ा, ठीक है। हमारा एट्थ वर्ड है गेट। व्हाट इज गेट? अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, को इंसान किस तरीके से चलता है उसके चाल को हम लोग गेट बोलते हैं, ओके। हिंदी मीनिंग इज चाल, पग, गति, एंड द सेंटेंस आर वॉक, लिम्प, एंड एंटोनिम्स आर स्टैंड स्टिल, स्टे इन प्लेस, ओके। चलिए फिर इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। अ मैंस गेट कैन से अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर, सो वॉच हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ओके। तो किसी भी इंसान का जो चाल है वो उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ पे ये चीज बताया गया है, क्लियर हो रहा होगा? ये सेंटेंस आप खुद से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि मैंने गेट यहाँ पे कैसे यूज किया हुआ है, ओके। तो गेट मीन्स, याद रखिएगा, क्या होता है, चाल, ओके। चलिए फिर नाइन्थ वर्ड है हमारा हेगेमनी, ओके। तो व्हाट इज हेगेमनी? मीनिंग है हमारा द डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। किसी एक सोशल ग्रुप जो है वो अगर दूसरे पर क्या कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हेगेमनी, ओके। और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नेतृत्व, प्राधान्य, ठीक है। चलिए फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं जिससे आपका ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए। सिनोनिम्स है इसके प्री डोमिनेंस, लीडरशिप, पावर, ओके, एंड एंटोनिम्स सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। चलिए फिर इसको यूज करते सेंटेंस में। द प्रिंसिपल एंजॉयड इज हेगेमनी ओवर द स्टाफ ऑफ द स्कूल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? वो अपने पावर को, अपने लीडरशिप को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हेगेमनी इज हियर व्हाट, लीडरशिप, ओके। एंड द टेंथ एंड लास्ट वर्ड इज इन एग्जरेबल, ओके। व्हाट इज इन एग्जरेबल? सो इसका मीनिंग क्या है, इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, रेजिस्ट और स्टॉप। किसी भी चीज को रोकना जब मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझ लीजिए नामुमकिन, तो वो क्या कहलाएगा, इन एग्जरेबल, ओके, निष्ठुर या अनमनीय। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। अनअवॉइडेबल, अनस्टॉपेबल, रिलेंटलेस, ओके, क्लियर है? ये तीनों वर्ड जो है वो क्लियर हो रहा होगा। इसे आप रिलेट कर लीजिए इनएक्सोरेबल से ताकि आपके माइंड में ये फिट रहे, ओके। एंड द एंटोनिम्स आर प्लेसेबल, फ्लेक्सिबल, स्टॉपेबल, जिसे रोका जा सके, ठीक है। तो वो हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टॉपेबल, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनस्टॉपेबल। तो इनएक्सोरेबल से आप याद रखिएगा कि जिस चीज को रोकना नामुमकिन हो। चलिए फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑफ कोर्स द पब्लिक इज इंग्रेज्ड बाय द इनएक्सोरेबल राइज इन गैस प्राइसेस। क्या हो रहा है, गैस का प्राइसेस जो मतलब जो कि अब क्या है वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है, वो नहीं रुक रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनएक्सोरेबल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स और एग्जांपल में उन्हें कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।